है फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी बुक धातु अधातु का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5 मार्क्स का बता रहा हूँ। ये वीडियो नंबर 6 है। अगर इससे पहले अगर आप 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लिखा है कि तांबा धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताना है कि तांबा जो धातु है उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए कैसे इसका आंसर लिखेंगे, है ना। कहानी टाइप का है, आप गौर से सुनिए, याद हो जाएगा। अशुद्ध तांबा की प्लेट को एक नाद में कॉपर सल्फेट के बिलियन में लटका देते हैं, है ना। अशुद्ध तांबा जो होता है उसको प्लेट को एक नाद में कॉपर सल्फेट CuSO4 के बिलियन में इसको लटका देते हैं। यह प्लेट जो होगा एनोड का काम करेगा, है ना। एनोड मतलब प्लस काम करेगा, एनोड का काम करती है। अशुद्ध तांबा की जो पतली चादर को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्लेट एनोड का काम करेगा और तांबा का जो पतली चादर है वो कैथोड यानी ऋणात्मक कार्य करेगा, वो धनात्मक काम करेगा और ये ऋणात्मक कार्य करता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कैथोड की सतह पर ग्रेफाइट की पतली तह चढ़ा दी जाती है, ग्रेफाइट उस पर पेंटिंग कर दिया जाता है ग्रेफाइट से, ताकि उस पर मुक्त तांबा को आसानी से छुड़ाकर हटाया जा सके। ग्रेफाइट क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि जब जब अभिक्रिया के बाद तांबा बचे तो उसको छुड़ाने में कोई कठिनाई ना हो बल्कि आसानी से छुड़ा सके। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट के बिलियन में क्यूपरिक आयन, जिसका सूत्र Cu2+ होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है इसलिए 2+ आ जाता है, और सल्फेट आयन SO4 2-, यानी कि क्यूपरिक आयन जो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था वो सल्फेट आयन उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए इस पर 2- आ जाता है। रहते हैं इस बिलियन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करता है। अब इस बिलियन में हम लोग करेंट पास करते हैं तो निम्नलिखित क्रिया होती है। पहला जो होता है एनोड पर होता है। देखिए एनोड पर क्या होता है, अशुद्ध एनोड के कॉपर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्यूपरिक आयन के रूप में बदल जाते हैं। ये सीयू था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cu2+ क्यूपरिक आयन बन गया। अब कैथोड पर क्या होता है कि बिलियन में उपस्थित क्यूपरिक आयन जो है कैथोड पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कॉपर परमाणु में अवकृत होकर कैथोड पर मुक्त हो जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन छूट गया तब सिर्फ बचा सीयू, और इस तरह से सीयू आया जो कि कॉपर हुआ, जिसको हम तांबा भी कहते हैं, और इस तरह से यह हमें शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है। तो ये कैथोड पर जो तांबा प्राप्त हुआ वो 99% शुद्ध होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। इस तरह से तांबा कॉपर सल्फेट या क्यूपरिक पाइराइट से निकाला जाता है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं कि सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। सोडियम जो धातु है NaCl जो है उसका अयस्क हो गया, उससे निकाला जाता है सोडियम, तो कैसे उसको निकाला जाता है बताना है। तो इस टाइप से उसका आंसर लिखेंगे कि सोडियम धातु मुख्यतः द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है ना, वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसका इसमें भी करंट पास किया जाता है और करंट पास करने के बाद ये प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड का जो द्रवणांक होता है उच्च होता है, यानी कि इसको द्रव के रूप में बदलना जो है वो हाई होता है। इसे कम करने के लिए थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिश्रित कर दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड का जो द्रवणांक है ऊँच होता है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं जिससे उसका द्रवणांक कम हो जाता है। अब द्रवित मिश्रण का वैद्युत अपघटन करने पर, अब इसमें करंट पास करते हैं, जब मिला के जो हमें मिश्रण प्राप्त हुआ उसमें वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु जो है कैथोड पर एवं क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाता है। इसमें प्रयुक्त विधि को डाउन की विधि कहते हैं। अब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि सोडियम धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, तो हमें बताना होगा कि डाउन विधि से किया जाता है। तो इस मैंने जो लैंग्वेज में लिखा विधि, उस विधि को आइए इक्वेशन से समझते हैं। NaCl में क्या हुआ, तो Na जो है अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो Na प्लस बन गया और प्लस Cl माइनस। Na जो है प्लस, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सिर्फ Na बन गया जो कि कैथोड पर प्राप्त होता है, यही सोडियम धातु हो गया। 2Cl-, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है, ये एनोड पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से सोडियम धातु हमें प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। द्विधर्मी यानी कि जो 2 रोल अपनाता है किसी अभिक्रिया में। तो देखिए उसका डेफिनेशन इस टाइप से होगा, बहुत ही आसान है कि कुछ धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है। कुछ धातु जो होते हैं वो अम्लीय गुण भी अपनाते हैं और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु के ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जो धातु अम्लीय एवं क्षारीय दोनों जिसमें गुण मौजूद हो उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO,
ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो धर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस बताया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्त अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल मस्त क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों हमें आप टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ऐप नहीं चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसमें आप सर्च कीजिएगा मस्त क्लासेस, तो मस्त क्लासेस मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आपको बहुत ही फ़ायदा है क्योंकि उसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट का PDF उपलब्ध कराया है और आप जिसके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक्स, फिर मिलेंगे।